ये पैसा ये डॉलरों में पैसा भेजा गया है भाई, ये सब डॉलर है। 1 करोड़ रुपया भेजा है इन लोगों ने, मुंह बंद करने के लिए एक सैंपल भेजा है कि देखते हैं ये लोग पैसा खाते नहीं खाते। ये 1 करोड़ रुपया है, 1,40,000 डॉलर है ये देख लीजिए, ये कैश इन लोगों ने भेजा है आंगड़िया के थ्रू कि हम लोग बिक जाएं। हमने हजार बारी बोल दिया है, हमें खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ है, हमें खरीदने की कोशिश ना करें। ये आप लोगों का पैसा है भाई, ये आप लोगों का पैसा है, ये किसानों का पैसा है, ये जवानों का पैसा है, जो इस तरह आप लोगों का पैसा लूट के ये लोग हम लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जैसे तो कितने लोगों को खरीदने की कोशिश भी करी होगी और कितने लोग बिके भी होंगे। ये आपके सामने है, ये सब डॉलर है, ये सारे डॉलर है, 1,40,000 डॉलर मेरे तो हाथ में भी नहीं आते, ये देख लो, ये सारे डॉलर है, ठीक है भाई। ये 1,40,00,000 डॉलर है, 1,40,00,000 डॉलर, ये 1,40,000 डॉलर है, करीबन 1 करोड़ रुपया होता है। ये हम लोग को ट्राई कर रहे हैं खरीदने के लिए, इनको बता दो, इनको बता दो एमकेडी को खरीदना तो बहुत दूर की बात, ऑफर भी मत करना। और अब इस पैसे का क्या करेंगे ये यही बताएंगे सैयद भाई। ये देखिए, ये पैसा ना मेरा है ना ये नेताओं का है, ये पैसा उन देशवासियों का है जो टैक्स भर के ये देश की सरकार चला रहे हैं। ये पैसा मैं जो पुलवामा में शहीद हुए जवान है उन लोगों की फैमिली को भेज रहा हूं, क्योंकि ये पैसे के वो बड़े हकदार हैं। मुझे शर्म आ रही है ये कहने के लिए कि हमारे देश में नेता किसी को भी खरीद सकते हैं, पैसे से कोई भी बिक जाता है और लोग बिक रहे हैं। ऑफर तो 350 करोड़ की आई है, अगर वो पैसा आता है तो मैं वो पैसा भी देश के जवानों में, किसानों में, जो जरूरतमंद है उन्हीं में बांट दूंगा। ये 1 करोड़ रुपया जितने भी आज की तारीख में सीआरपीएफ के जवान हैं उनको दे दिया जाएगा एमकेडी की तरफ से, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ये उन 40 फैमिलियों को 1 करोड़ रुपया हम बांट देंगे। और हमें खरीदने की कोशिश मत करना, कभी मत करना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। हम दोबारा बोल रहे हैं, चुनाव कराते हो 1,00,000 करोड़ रुपए का, जहां पे 42% बच्चे कुपोषित हैं, दिमाग है या नहीं है, या बेच का है सारे, या गोबर भरी हुई है। अरे छोड़े अभी भाई, 350 करोड़ रुपए में जरा पूछो, पूरे देश में 2 इंसान ऐसे बता दो जो 350 करोड़ रुपए में बिकेगा नहीं। ये बंदा बैठा है ये नहीं बिकेगा, और क्यों नहीं बिकेगा बताइए, आप बताइए, ईमान की बात क्या होती है? बड़ी ईमान की बात करते हैं ना, ईमान नहीं है मुसलमानों में, बताइए क्या हमारा दीन, हमारा दीन, हमारा मजहब ये चीज की इजाजत नहीं देता कि हम अपने ईमान को बेचें चंद पैसों के लिए। यहाँ पे नंगा आया था इंसान, नंगा चला जाएगा। मुझे मेरी हकीकत मालूम है, मेरे बाप ने कहा था कि हमारी हकीकत क्या है, गंदी मिट्टी, नुतफे से बना हुआ। तो मैं ये पैसा लेके नहीं जा सकता, ना मैं ये पैसा हाथ में नहीं लगाऊंगा। इन लोगों को सोचना चाहिए, एक मुसलमान बिकने वालों में से नहीं है, अपने हुब्बे वतन हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटना जानते हैं, और देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि वो लूट रही है, बर्बाद हो रही है। इसमें शुजा भाई बात यह है कि उनको लूटना आता है और इनको लूटना आता है। अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं अभी भाई, ये पैसा 1,000 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं, 1,000 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं और 5 साल तक खुद लूटते हैं। ये 1 करोड़ रुपया मेरे किसानों का है, मेरे किसान भाइयों का है, जिनको इन लोगों ने जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये उन जवानों का है जो वहां पे खड़े हैं, अपनी पूरी जान अपनी लगा के, शर्म आती नहीं आती है? अरे बेशरम। और ये 1 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं वापस भेजना मत हमारे को कभी यहाँ पैसा, नहीं तो जब भेजोगे ना, 350 करोड़ रुपए का ऑफर आया है, 350 उसका प्रूफ है, 350 करोड़ का ऑफर है, और अगर दे दिया ना वो 350 करोड़ भी ऐसे ही बांट देंगे देश में। भैया ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने इतना दिया है कि हमें जरूरत नहीं है अब। अरे अब ये सिर्फ जिंदगी देश के लिए दी है अब, ठीक है, मेहनत का खाते हैं, कोई खरीदने की औकात नहीं है किसी की, आज तक पैदा नहीं हुआ। ये 1 करोड़ रुपया आप लोगों का है भाई, आप लोगों को वापस भेज रहे हैं।
आपने रखी है 1 करोड़ रुपया। हमारा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप लोगों का किसी और का कुछ रिकमेंडेशन हो तो अलग बात है। अगर एमकेडी परिवार, हमने जो सोचा है, हमारा परिवार एक परिवार है और एक ही भाषा में बोलेगा, परिवार में डिस्कस होगा। हमने जो प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल ये है कि जो सीआरपीएफ के जवान, 40 जवान जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार में पैसा बांट दिया जाए। अगर 40 परिवार हैं तो एक परिवार के हफ्ते में 2,50,000 रूपये आते हैं और वो एमकेडी परिवार दे देगा। ये रहे 2,50,000 रूपये 40 परिवारों के लिए, ठीक है। हमें पैसा मत भेजना, लास्ट और आखिरी वार्निंग है आप लोगों को, नहीं तो वो पैसा वापस भेज देंगे इंडिया और लगाना जीएसटी उस पे फिर। क्या जीएसटी, क्या इनकम टैक्स अभी भाई, ये लोग देश को लूट रहे हैं, देश लूट रहा है, बेवकूफों की हद नहीं है, देश लूट रहा है। ये लोग हजार हजार में अपने आप को बेच देते हैं, 1,000 रूपये में एक वोट खरीदा जाता है, 1,000 रूपये में वो वोट पैसे लेंगे, लॉयर हो जाएंगे, ईमानदार। क्या ओ भाजपा, ओ कांग्रेस, मत बेचो अपने आप को यार, बिरयानी पे, पौए पे, ठीक है, लैपटॉप पे, साइकिल पे मत बेचो। 400 हमारे बंदे आ जाएंगे ना तो इन लोगों को खरीद के पटक देंगे सब अपन मिलके पूरा देश। औकात नहीं है इन लोगों की, क्या औकात है इन लोगों की, अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, इनकी औकात है नौकरी नहीं मिले इन लोगों को, 50,000 रूपये महीने की नौकरी नहीं मिले। जो नेता आज की तारीख में बैठे अंदर, 75% नेताओं को 50,000 रूपये महीने की नहीं मिले नौकरी, और आप लोगों ने अपने सर पे बिठा रखा है और ये हरकतें कर रहे हैं ये लोग। दोबारा दिखा देता हूँ ये हरकतें, कितने लोगों ने तो इतने सारे डॉलर भी अपने जिंदगी में साथ नहीं देखे होंगे। ये भैया ये रे, ये आपका पैसा है भाइयों, मेरे देशवासियों, ये आपका पैसा है, ये वो किसान का पैसा है, वो जवान का पैसा है, सैलरी नहीं पड़ती, टीचर्स का पैसा है, ये शिक्षकों का, किसी का पैसा है ये, किसी का तो है, इनका तो नहीं है। इनको इनसे एक चीज पूछो, तुम्हारे एमपी को कितनी तनख्वाह मिलती है, 1.5-2 लाख तुम्हारे एमपी को ये मिलती है ना तनख्वाह, ये कहां से लाते हैं इतना पैसा फिर? ये भाई तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ गरीबी नहीं है, गरीबी थोपी गई है, क्या कह के थक गया मैं यार। लोगों का खून चूस रहे हैं, तुम लोग अपना खून चूसवा रहे हो, बेवकूफ हो, अरे आंख खोलो, देखो यार, तुम्हें चूसा जा रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारा हक खाया जा रहा है, अरे पागल हो क्या, पागल हो क्या तुम? ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जो कड़ी कड़ी में अपने आप को खरीद लेते हैं, बेच देते हैं, देश को बेच रहे हैं, देशवासियों को बेच रहे हैं, अरे कैसे बेवकूफ लोग हो यार, कैसे बेवकूफ लोग है? तुम्हारा पैसा उठा के हमें खरीदने के लिए भेजा जा रहा है, तुम लोग बेवकूफ हो। ये पैसा मैं भिजवा रहा हूं, पुलवामा में जो लोग मरे हैं उनकी फैमिलीज को भिजवा रहा हूं, और अगर दोबारा पैसा आएगा तो मैं वो भी भेज दूंगा। बेवकूफ जनता हमारी बेवकूफ है, अंधी है, भक्ति में इतने लीन है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग अपने आप को बेच रहे हैं, अगले 5 साल तक फिर वही नेता इनको चूस चूस के खाएंगे। अरे फ्रस्ट्रेशन की हद होती है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास चाकरी नहीं है, तुम लोग नेतागिरी के भक्ति में लीन रह रहे हो। अरे बेवकूफ तुम आंख खोलो, क्या नेता अपने एफिडेविट में 1-2 करोड़ दिखा रहा है, उसकी औकात है क्या 1-2 करोड़ कमाने की? 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं ये लोग, जरा सोचो, आंख खोलो, देखो बेवकूफ जनता, देखो तुम्हारा पैसा तुमसे लूटा जाता है, दूसरों को दिया जाता है, खुद की जेबें भरी जाती है। अरे हम मेहनत करके हलाल की रोटी खाने वाले हैं, मेहनत करते हैं, हलाल की रोजी खाते हैं, हम 100-200 डॉलर अपने उबर में कमा लेते हैं भाई, ये हमको हराम की पैसे की जरूरत नहीं है। जिसने भेजा है मैं उसको फिर कह रहा हूं, हम बिकाऊ नहीं है, मुसलमान बिकाऊ नहीं है, एक इंसान होने के नाते तुम सोचो, तुम दूसरों का खून चूस रहे हो और भेज रहे हो किसको? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए। किसी नेता ने भेजा है या किसी पत्रकार दलाल ने भेजा है, और वो भी हम ढूंढ निकालेंगे, हम गारंटी करते हैं, हम ढूंढ निकालेंगे किसने हरकत करी है। या तो किसी पत्रकार जो दलाली करते हैं इन लोगों की, उसने भेजा है। 2 पत्रकारों पर मेरे को शक है, और या मेरे को एक है जो पॉलिटिशियन, उस पर शक है, जो रोज रोज फोन करके बोले जा रहे हैं कि अब आगे कोई खुलासा मत करना, चुप करके बैठ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए वो ले लो। हम बिकाऊ नहीं है, हमारा देश बिकाऊ नहीं है, हमारे देश में कोई आदमी बिकाऊ नहीं है, मेरे देश में गरीबी थोपी गई है लगातार
बिल्कुल उसको सेट पैटर्न की तरह। आज की तारीख में हम आपको एक बात बताते हैं, हम जिस देश में बैठे हैं ना, ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। 5 साल 400 अगर बंदे आ गए ना, हम आपको बता रहे हैं अमेरिका घुटने टिकवा देंगे, हम गारंटी आपके बच्चों को सब मिलेगा जो यहाँ हमारे बच्चों को मिलेगा। एवरीथिंग मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैं ईवीएम हैक नहीं कर